नमस्कार, स्वागत है आप सबका मसाला किचन में। आज हम बना रहे हैं पंजाबी खाना। पंजाबी खाने से एकदम से क्लिक करता है राजमा चावल। तो राजमा चावल कैसे बनाएं बहुत ही जल्दी और स्वादिष्ट। चावल हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में और साथ में राजमा बनाएंगे, उसे भी हमें क्या क्या चाहिए वो आप देखें। राजमा को पहले हम उबालेंगे। तो मैंने राजमा लिया है, करीब 200 ग्राम राजमा है। एक बाउल, एक जो कांच का बड़ा होता है, वो हमने राजमा ले लिए हैं। इसे ओवरनाइट सोक किया है। ओवरनाइट सोक करने से राजमा जो है कच्चे भी बन सकते हैं, पर अगर सोक करेंगे तो उससे क्या होगा, राजमा बहुत अच्छे से फूल जाता है। और राजमा की क्वालिटी के बारे में मुझे तो राजमा जो चित्रा होता है वही राजमा बहुत पसंद है। अगर वो लाल वाला राजमा होता है वो मुझे थोड़ा पर्सनली पसंद नहीं आता। तो आप चाहें तो कोई भी जो आप पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और थोड़ा उसी में पानी है, पानी हम और भी डालेंगे। और इसे बॉयल करते टाइम थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे, जिसमें है एक तेज पत्ता छोटा सा और 3-4 लौंग, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, और जो बड़ी इलायची होती है उसका कुछ दाने, और हम डालेंगे नमक। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम डाल देते हैं राजमा। इसमें हम पानी थोड़ा अच्छे से लेंगे, क्योंकि राजमा चावल के साथ खाए जाते हैं। एक्स्ट्रा पानी डालने से अच्छा है, इसी राजमे में जब पानी होता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है। स्वाद अनुसार हम एक चम्मच ले रहे हैं नमक और लेंगे थोड़े से गरम मसाले। प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं और इसे हम 1 या 2 विसल लगाएंगे। किसी किसी प्रेशर कुकर में बहुत ज़्यादा फास्ट विसिल लगती हैं तो 2, वरना नॉर्मल अगर बजती हैं तो 1 विसिल लगाएं और 10 से 12 मिनट के लिए इसे स्लो गैस पे पकाएं। जितना स्लो गैस पे ये राजमा पकता है तो अंदर तक पकता है। तो इसे हम रख देते हैं दूसरे गैस पर। अब हम एक साथ दूसरे इस पर चावल चढ़ा देते हैं। चावल यदि हमें प्रेशर कुकर पर चढ़ाने हैं तो हम किस तरीके से बनाएंगे, और अगर जो नॉर्मल हम लोग पैन में बनाते हैं और पानी उसी में ही पड़ा रहे तो वो हमने एक वीडियो बनाया है। आप चाहें तो खिले खिले राइस उसमें भी बहुत बढ़िया बनते हैं, वो मैं लिंक डाल दूंगी। और अगर हमें प्रेशर कुकर में डालना है तो बिल्कुल आप उसी समय धोइए। और मैंने 1 कप चावल ले लिए हैं, जो नॉर्मल चावल अपने घर में होते हैं। और 1 कप चावल लेंगे तो हम इसी से ही 1.5 कप पानी लेंगे। लेकिन पहले चावल को अच्छे से वॉश कर लीजिए। इसे भिगो के नहीं रखते, लेकिन वॉश बहुत अच्छे से करते हैं। ये लीजिए, चावल को हमने वॉश कर लिया है। प्रेशर कुकर में हम उसी कप से, जिस कप से आपने चावल नापे हैं, ग्लास कप जो भी आपको लेना है, मैं 1.5 कप लूँगी पानी। इसमें डालेंगे हम धुले हुए राइस। राइस का पानी हमने हटा दिया है, जो भी है राइस सिर्फ धुले हुए हैं। डालेंगे नमक। नमक के बिना चावल मुझे कम पसंद आते हैं, तो नमक तो मैं डालती हूँ, आप अपनी चॉइस के हिसाब से बनाएं। और मैं 1 चम्मच, छोटा 1 चम्मच इसमें घी भी डालूंगी। हमने 1 चम्मच घी डाल दिया है। अगर आपको जीरा राइस बनाना हो तो बाद में 1/2 चम्मच घी से जीरे का तड़का लगा सकते हैं। बस अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं। इसको फुल गैस पे हम 1 विसिल बजने तक पकाएंगे और उसके बाद स्लो नहीं करेंगे, बस गैस बंद कर देंगे। ये जब अपने आप ठंडा होगा कुकर, तब हम इसे खोल के देखेंगे। इसमें 1 सीटी बज गई है, इसे हम हटा देते हैं। ये अपने आप इसका प्रेशर निकलने दीजिए, तब हम इसको चेक करेंगे। चावल के लिए कुकर का प्रेशर रिलीज़ होगा, तब तक राजमा भी सीज जाएंगे, तब तक हम मसाला बना लेते हैं। तो 1 प्याज लेंगे, इसे हम बहुत फाइन चॉप कर लेते हैं। और लहसुन है 5-6 कली है, और इसे भी हम फाइन चॉप कर लेते हैं। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 या 2 डाल सकते हैं। अदरक इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा बचा देंगे लास्ट के लिए गार्निश के लिए, बाकी इसे चॉप कर लेते हैं। टमाटर हमने 4 लिए हैं, और ये मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इसे फाइन चॉप नहीं करेंगे। इसको, लहसुन को, अदरक को और हरी मिर्च को, इन सबको एक साथ ग्राइंड कर लेंगे, और प्याज को फाइन चॉप कर लेते हैं। फाइन चॉप कर लिया है, इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम लेंगे 1 पैन और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी, क्योंकि पंजाबी खाने में घी मक्खन बहुत अच्छे से यूज़ होता है, और एक्चुअली इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है।
अगर घी से बनाएंगे और थोड़ा सा ये घी जले ना, इसके लिए मैं एक टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल भी साथ में यूज़ करूँगी। अब इसमें डालूंगी जीरा आधा चम्मच। अब इस जीरे में हम डालेंगे प्याज, मीडियम फ्लेम करके इसे हम पकाएंगे। देखिए हमें प्याज को जलाना नहीं है लेकिन पकाना है, तो हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे प्याज सॉफ्ट भी हो जाएगा और थोड़ा ब्राउन भी हो जाएगा। अब हम डालेंगे जो हमने पीस के रखे हुए टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन। टमाटर, अदरक, लहसुन ये बिल्कुल भी कच्चे अच्छे नहीं लगेंगे जब तक पकेंगे नहीं, हमें पूरी तरीके से इन्हें पकाना है। कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है, अब हम इसे खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। वाओ, राइस तो बहुत ही परफेक्ट है। ये देखिए, इसे फोक से इस तरीके से चला के देख लीजिए। अब जो हमने इसमें थोड़ा सा घी डाला हुआ है ना, उसकी वजह से बिल्कुल भी जैसे चिपचिपे चावल नहीं बनते हैं, इस तरीके से ही बनते हैं। और ख़ासतौर से बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी तरीके से चावल बनाने का तरीका है, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। अब हम इसे वापस कवर कर देते हैं जिससे गर्म रहे, या इस टाइम में आप क्या कीजिए, जैसे कोई मेहमान आने वाले हैं या घर के सारे सदस्य खाना खाने वाले हैं, तो ऐसे टाइम में आप या तो प्रेशर कुकर से निकाल के इसे किसी गर्म हॉट बॉक्स में डाल दीजिए, तो ये काफ़ी देर तक गर्म रहेंगे राइस। तो अब हम इस पे मसाले पे आते हैं। देखिए टमाटर जो है सूखने वाला है लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं सूखा है। अब हम डालेंगे मसाले। लाल मिर्च जो लिया है मैंने आधा चम्मच लिया है, एक चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, बहुत थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई, अब इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसका फैट न छूटे। इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि राजमा में हमने नमक डाला है, उसके बाद ये मसाले के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल दीजिए। और बस थोड़ा सा ऑरेंज चाट, इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। अब हम प्रेशर कुकर को देख लेते हैं कि राजमा कैसा है। राजमा जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, तो हमें ऐसा ही चाहिए। अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमने तेज पत्ते और जो भी गरम मसाले डाले थे, हमें इन सब को निकालना होगा, क्योंकि बच्चों के मुंह में जब आ जाता है ना इसका फ्लेवर, ये मुंह में आते हैं तो बच्चों को अच्छे नहीं लगते, तो बस इसको फ्लेवर तक ठीक है और बाकी ये सारे आप निकाल दीजिए। भी बिल्कुल बराबर है, हमें इतना ही पानी लगेगा क्योंकि जब ये मसाला जाएगा तो ये ग्रेवी बहुत गाढ़ी अच्छी हो जाएगी। अब प्रेशर कुकर में हम ये सारी मसाला जो है डाल देते हैं। ये मसाला हमने डाल दिया, अभी हम इसे देखते हैं। इसे एक उबाला आने देते हैं। डालेंगे बहुत थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा कुटा हुआ गरम मसाला और बहुत थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर। बस अब एक विसिल बच जाएगी ना, तो उससे क्या होगा, जो मसाला और पानी है ना एक साथ मिक्स होके एक गाढ़ी ग्रेवी हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया लगेंगे ये राजमा। चावल हमारे ऑलरेडी तैयार हैं, अब हम थोड़ी प्लेटिंग की तैयारी करते हैं। राजमा की प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग यदि प्रॉपर की हुई हो तो खाने का मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम राजमा चावल को जैसे सिंधी कढ़ी चावल एक अलग तरीके से खाया जाता है उसे बोल में, और ऐसे ही राजमा चावल को हम कुछ थोड़ा अलग तरीके से सर्व कर रहे हैं। पहले इसे पूरा फिल कर देते हैं। हमने जो राइस डाले थे ना इसे इस तरीके से सेट कर दिए। अब हमें क्या करना होगा, इसका सेंटर ढूंढ के और इसमें एक कटोरी फंसानी होगी। बस इस तरीके से थोड़ी देर के लिए रख दें जब तक राजमा में से विसल निकले, फिर हम इसको सर्व करेंगे। अब ये राइस सेट हो गए हैं। हमें क्या करना होगा, जिस प्लेट में हम सर्व करना चाह रहे हैं उस प्लेट में इस तरीके से अब क्या होगा, ये जो बीच वाली
कटोरी थी ये हमने निकाल दी। इससे क्या हुआ, ऐसे एक मोल्ड भी आता है, तो क्या होता है मोल्ड सबके पास नहीं होता, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब आप थोड़े से राइस इसके बीच में डाल दीजिए। अब इसमें राजमा डाल दीजिए। राजमा हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए हमें कलर भी ऐसा ही चाहिए होता है, ग्रेवी भी हमें ऐसी ही चाहिए होती है। ये देखिए कितनी गाढ़ी ग्रेवी है और राजमा भी हमारे बिल्कुल तैयार है। ये देखिए तो बस इसमें खुशबू इतनी आ रही है कि मज़ा आ गया है ना। अब हम इसको सर्व करते हैं। अब आप चाहें तो इस तरीके से अदरक की, कई लोगों को बहुत पसंद आती है अदरक लंबी लंबी कटी हुई, आप बटर रख सकते हैं क्योंकि इसके साथ इसका बहुत टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बारीक कटी हरी धनिया, ये देखिए मैंने अनियन के रिंग्स काटे हैं और उसे दही में बहुत थोड़ा सा नमक डालकर उसे मिक्स करके रख दिया था। तो ये जो प्याज है इसे खाने में बड़ा अच्छा लगता है इस राजमा चावल के साथ। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।